गया है। दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की और मारपीट की पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीपरी बाजार के चमनगंज का यह पूरा मामला है, जहां पर एक युवक को कुछ दबंगों ने जमकर पीटा है और उसके बाद जो पूरी घटना थी वो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दबंगों का कहर कैसा वो आपको इस तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, जहां पर बदमाश एक युवक को पीटते हुए नजर आए हैं। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लाल घेरे में वो हम आपको दबंग वो गुंडे दिखा रहे हैं जो बीच सड़क पर एक युवक को पीटते हुए नजर आए हैं। मामूली कहासुनी, मामूली विवाद और उसी में जमकर पीट दिया इस युवक को। एसएस झा हमारे सहयोगी जुड़ चुके झांसी से। एसएस झा, इस युवक को पीटा क्यों गया है? जी मैं आपको बता दूं कि झांसी सिटी बाजार थाना के चमनगंज के दुकान के पास का एक मामला है। तो ये व्यक्ति किसी काम से दुकान पर आया था और जो तीन चार लोग खड़े हुए थे उनसे किसी बात को बाइक को लेकर विवाद हो गया था। इसी बात को झगड़ा हो गया है तो उन लोगों ने, तीन चार लोगों ने उस व्यक्ति को जमकर पीटा और इतना पीटा उसके से मुंह से खून आने लगा। और जिस तरीके सिटी बाजार में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन वहां के थानेदार सिर्फ वादे करते हैं कि मैं कोई भी शख्स आए हमारे पास उसका निपटारा कराया जाए, लेकिन आए दिन एक हफ्ते में एक पांच बार रात हो चुके हैं सिटी बाजार में, लेकिन वहां के थानेदार सिर्फ देखते ही रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उस लड़की की पिटाई की गई, उसके मुंह से दांत टूट गए उसके मुंह से, लेकिन थाने की पुलिस की बात करें, थाने की पुलिस अपने आप को अच्छा महसूस करती है, ये बताती है कि मेरे इलाके में कोई घटनाएं नहीं होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर जैन तमाम जानकारी। दबंगों का कहर झांसी में भी, जहां पर दबंगों ने युवक को जमकर पीट दिया और अभी तक पुलिस ने कैसा एक्शन लिया है वो कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। तो अलीगढ़ से अगली खबर आपको बता दें, जहां पर एएमयू वीसी केस दर्ज कराएंगे। अब एएमयू हॉस्टल में पुलिस के प्रवेश का यह पूरा मामला है और अब एएमयू के जो वीसी है वो केस दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। यूपी पुलिस पर एफआईआर दर्ज कराएंगे वीसी। पुलिस ने बिना अनुमति हॉस्टल में प्रवेश किया था। अलीगढ़ एएमयू वीसी ने जानकारी दी है इसकी। 15 दिसंबर को हॉस्टल में घुसी थी पुलिस और उसी के बाद अब ये एएमयू के वीसी का कहना है कि वो यूपी पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। जिस वक्त सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर हर जगह दंगे फसाद और प्रदर्शन किए जा रहे थे, उसी वक्त अलीगढ़ में एएमयू में भी ऐसा ही प्रदर्शन देखा गया था, जिसके बाद एएमयू हॉस्टल में पुलिस ने प्रवेश किया था और उसके बाद अब आपत्ति जताई जा रही है एएमयू वीसी की तरफ से। 15 दिसंबर की रात को जो घटना हुई और खास तौर से आफ्ताब हॉल के मॉरिसन कोर्ट में, उसमें पुलिस की जाती देखने को मिली है। उसके ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि एक दरखास्त एप्लीकेशन जो है वो पुलिस में भेजी जाए ताकि उस पर एफआईआर दर्ज हो सके। मुकेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके अलीगढ़ से। मुकेश, एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है वीसी की तरफ से, क्या कुछ आरोप लग रहे हैं पुलिस के ऊपर? इसमें बता दूं, जिस तरह से 15 दिसंबर की रात को जो एएमयू में बवाल हुआ था उसके बाद से लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई थी, एएमयू के अंदर प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान ये भी देखा गया था कि जो एएमयू के छात्र हैं वो वीसी के और रजिस्ट्रार के अगेंस्ट आ गए और उनके खिलाफ मुर्दाबाद और तमाम तरह के प्रदर्शन करने लगे। अब लगभग एक महीना जब घटना को बीत चुका है, जब एएमयू ने, इंतजामिया ने एक बैठक बुलाई, बैठक में निर्णय लिया है कि अब तहरीर देने जा रहे हैं जो आरएफ और पुलिस के खिलाफ है, और उसमें इनका आरोप लग रहा है कि उनका कहना है कि हमने जो है पुलिस को परमिशन दी थी कि जो लड़के जो सड़क पर उतर आए हैं सड़कों को खाली कराया जाए और रास्ता जो है साफ कराया जाए, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने जो अंदर घुसकर, जो कैंपस में घुसकर जो जिस तरह से बवाल मचाया था उस पर तोड़फोड़ भी हुई है और स्टूडेंट्स को अंदर से लेके आए हैं। इसी तरह से जो उसको जो ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं। अब ये बतावे कहीं ना कहीं एएमयू जेएनयू बिल्कुल, मुकेश देखिए इतना वक्त बीत गया उसके बाद अब एएमयू के वीसी जागे और कह रहे कि हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
प्रयागराज से अगली खबर, जहां पर मकर संक्रांति का देखिए स्नान पर्व आज है और संगम में ब्रह्म मुहूर्त में आज यहां पर स्नान शुरू हुआ है। कड़ाके की ठंड है लेकिन इसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं वो काफी संख्या में यहां पर घाटों पर इकट्ठा हो रहे हैं। स्नान घाटों पर जल पुलिस बल भी तैनात है। और देखिए तीन तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, वाराणसी की, गोरखपुर की, प्रयागराज की, जहां पर किस तरह से आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में किस तरह से श्रद्धालु घाटों पर पहुंच रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, स्नान ध्यान किया और उसके बाद वहां पर पहुंचकर उन्होंने पारंपरिक रूप से खिचड़ी भी चढ़ाई है। तो ये तीन तस्वीरें ये बयां करती हैं कि आज के दिन किस तरह से खिचड़ी का पर्व, मकर संक्रांति का पर्व हर जगह धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अब देखिए मकर संक्रांति पर महास्नान, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं किस तरह से मकर संक्रांति के दिन जो स्नान ध्यान की एक परंपरा चली आती है वो किस तरह से आपको लाभ पहुंचाती है। संगम में ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान ध्यान करते हैं तो उसका आपको विशेष लाभ होता है और ठंड के बावजूद भी यहां पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो काफी ज्यादा देखी जा रही है। माघ के महीने में जो मकर संक्रांति होती है, इस शास्त्र ने एक जनमानस के अंदर इसकी एक महत्ता और इसकी आशीर्वाद स्वरूप जो विशेष महत्ता है वो सब जनमानस जानता है। आज छोटे गांव का व्यक्ति भी स्नान करने की विशेष महत्ता रखता है। देखिए सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। अगर आप जल सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारी जल पुलिस की तो जो टीम है ही है, इसके साथ साथ हमारे पास 6 कंपनी जल पुलिस की अलग से है, SDRF की 3 टीमें हैं, इसके अलावा हमारे पास 100 गोताखोर हैं और चारों तरफ हमने जो अपना डीप वाटर बैरिकेडिंग है, जो भी घाट हमें मिले हैं लगभग 5 किलोमीटर के, उस पर लगे हुए हैं। और वन वे जो हमारी बोट ट्रैफिक है उसके लिए हमने रिवर लाइन भी डाल रखी है। मकर संक्रांति स्नान पर्व पर गंगा, यमुना और अदिश्व सरस्वती के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम नोज पर जन सैलाब उमड़ा है। इस समय मैं मौजूद हूँ संगम नोज पर। आप देख सकते हैं कि संगम नोज पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। मेला प्रशासन ने मकर संक्रांति स्नान के लिए 6 स्नान घाट बनाए हैं। 5 किलोमीटर का लंबा स्नान घाट है जहां पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघ मेले का यह दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति का स्नान पर्व है और प्रशासन का अनुमान है कि 80 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम में पहुंचेंगे। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। माघ मेले के दूसरे स्नान पर मकर संक्रांति स्नान पर्व चल रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घाट बनाए गए हैं घाटों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरे मेले को CCTV कैमरे की निगरानी में रखा गया है। 13 थाने और 38 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ATS दस्ते को भी सक्रिय कर दिया गया है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो गोरखपुर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए गोरखनाथ को यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाई और मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी चढ़ाने के लिए वो वहां पर पहुंचे, पूजा अर्चना की। जिस तरह से वो उस वक्त वहां पर नजर आए, मौन होकर खड़े होकर वहां पर आरती में शामिल हुए श्रद्धालुओं ने भी वहां पर खिचड़ी चढ़ाई और रात से ही श्रद्धालु यहां पर लंबी कतार में लगे हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जब वहां पर पहुंचे तो किस तरह से वो वहां पर निरीक्षण कर रहे थे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया के मित्रों को और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। यह जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व है। इस चराचर जगत में जहां भी जीव सृष्टि है जगत पिता सूर्य के कारण है। उनकी उपासना का पर्व होने के नाते सबके जीवन में जीवंतता आए, एक नए उमंग, एक नए उत्साह के साथ सभी लोग अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ा सकें, मैं इस बात की शुभकामनाएं भी देता हूं। पर्व मंदिर में आज मनाया जा रहा है। सीएम योगी ने खिचड़ी चढ़ाई है। सीएम योगी लगातार जो है भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करके लगातार जो है क्या नाम है कि निरीक्षण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार सीएम योगी लगातार निरीक्षण पर लगे हुए हैं और सीएम योगी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, हर जगह का निरीक्षण कर रहे हैं और हर जगह एक एक बारीकी को देख रहे हैं।
और व्यवस्थाएं जो है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु आज के दिन यहाँ पे आते हैं और लाखों श्रद्धालुओं की व्यवस्थित करने के लिए जो व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, उसको सीएम एक एक बिंदु का जो है निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों के साथ दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि कोई भी श्रद्धालु जो भी दूर दराज से यानी कि देश के प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पे आया हुआ है उसको किसी तरीके का संकट न हो, कि कोई परेशानी न हो, उसके साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ सीएम योगी आप देख सकते हैं जो कि मंदिर के महंत भी हैं लगातार वो भ्रमण कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाएगा कि जो कि खिचड़ी का ये जो त्यौहार है एक पवित्र त्यौहार है जो आदिकाल से गोरखनाथ मंदिर में मनाया जाता है वो शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह जो है मंदिर का दर्शन किया, बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई, उसके बाद सारे कपाट खुल चुके हैं और सारे जो भक्त हैं लाखों भक्त जो आए हुए हैं वो बाबा गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। कैमरोग्राफी के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर। वहीं वाराणसी में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखा गया जहां पर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज काफी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने यहां पर आस्था की डुबकी लगाई और घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को काबू में करने के लिए और वहां पर सुरक्षा के इंतजाम के लिए पुलिस तैनात। मकर संक्रांति का स्नान है और ये माघ महीने में कल्पवास जो होता है तो ये गंगा जमुना सरस्वती का जो पुण्य है ये बहुत कल्पों तक रहता है, इसीलिए इसको वेद शास्त्रों के मुताबिक इसको कल्पवास का स्वरूप दिया गया है और यही पुण्य है, ये प्रयागराज तीर्थराज है। एक तरफ जहां वाराणसी में मोदी और शाह की फोटो लगी पतंगों की धूम है तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने मकर संक्रांति के मौके पर अहमदाबाद में पतंगबाजी की है। अमित शाह ने काफी देर तक यहां पर हवा में पतंग उड़ाई। अभी दो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से मोदी शाह की पतंग की भरमार बाजारों में देखी गई है तो वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद में अमित शाह पतंगबाजी करते हुए नजर आए हैं। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हर कोई पतंगबाजी करता है और इसी लाइट में अमित शाह भी दिखे। काशी विश्वनाथ धाम के इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। इस बार दिल्ली में बाबा विश्वनाथ धाम की देश और दुनिया में एक अनोखी झलक दिखेगी। काशी का सम्मान बढ़ाएगी मोदी सरकार, दुनिया देखेगी विश्वनाथ धाम का मॉडल। छब्बीस जनवरी को राजपथ पर निकलेगी झांकी। इस बार 26 जनवरी को देश ही नहीं दुनिया भी बदलते हुए काशी की झलक देखेगी। 26 जनवरी को दिल्ली में जब गणतंत्र दिवस की परेड होगी तो उसमें काशी विश्वनाथ धाम की भी एक झांकी निकाली जाएगी। काशी विश्वनाथ धाम को सजाने संवारने में जुटी मोदी सरकार के इस फैसले से काशी के लोग काफी उत्साहित हैं। 26 जनवरी को जो परेड होती है उसमें उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की झांकी के रूप में पूरे सभी देश के विदेश के सभी लोगों को एक इसका जानकारी मिल पाएगी और एक झलक देखने को मिलेगी कि काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के आसपास न्यास के द्वारा और परिषद के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं और आने वाले समय में कौन कौन सी सुविधाएं जनता को उपलब्ध होगी। झांकी के जरिए विश्वनाथ धाम के मॉडल को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। योगी सरकार झांकी को तैयार कराने में पूरा जोर लगा रही है। झांकी के जरिए लोगों को काशी विश्वनाथ मंदिर की आधुनिक तस्वीर देखने को मिलेगी और लोग काशी विश्वनाथ धाम के बदले हुए स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे। बाबा विश्वनाथ धाम की भी वहाँ झांकियाँ प्रदर्शित की जाएंगी, जो यहाँ का वैशिष्ट है, जो यहाँ की पूजा अर्चना है, जो यहाँ का शंखनाद है, जो यहाँ की विशेषता है, उन सारी विशेषताओं को राजधानी में जब प्रदर्शित किया जाएगा तो पूरा विश्व देखेगा, भारत ही नहीं पूरा विश्व इसको देखेगा। काशीवासी इस बात से बहुत आनंदित है। काशी विश्वनाथ धाम को मोदी सरकार एक अलग स्वरूप दे रही है जिसमें प्राचीन मंदिरों को फिर से विकसित करने की प्लानिंग है। विश्वनाथ कॉरिडोर में प्राचीन मंदिरों को जीवंत करके प्राचीन संस्कृति को संजोया जाएगा। बनारस से भारत समाचार के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। वर्दीधारी के घर में घुसकर कहां हुई लूट, पुलिस ने ट्रक चालक पर क्यों बरसाए लात घूंसे, गंगा स्नान और पतंगबाजी की लाइव तस्वीरें
दिखाएंगे आपको सुबह 10 बजे यूपी लाइव में। नींद चैन को जगो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो।